वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर में आपका पेपर है विशेष अध्ययन एक प्रमुख साहित्यकार कबीर। बेटा सीबीसीएस वाला जो सिलेबस है आपका उसमें है, ये एनईपी वाला जो सिलेबस है उनके लिए नहीं है ये वाला। तो इसमें आपका पहली इकाई दूसरी इकाई हम लोग कर चुके हैं, कबीर का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस था। तीसरी इकाई आपके सिलेबस में है नहीं। चौथी इकाई का पार्ट दो मैं आपको आज करा रही हूँ बेटा, जिसका नाम है कबीर की सामाजिक चेतना। तो कबीर जो हैं वो हिंदी के मूर्धन्य कवियों में से एक माने जाते हैं, यानी कि जो सबसे महान कवि हैं हिंदी के उनमें से एक कबीर को माना जाता है। इनकी रचनाएं हिंदी के क्षेत्र के बाहर भी, यानी कि जो हमारा हिंदी क्षेत्र है जितने एरिया में हिंदी बोली जाती है पूरे देश में, उसके बाहर भी लगभग पूरे देश में इनका जो साहित्य है कबीर का हर जगह पसंद किया जाता है, बहुत पॉपुलर है। हिंदी साहित्य के निर्गुण धारा की ज्ञानाशयी उपधारा के कवि माने जाते हैं ये। आपने अगर बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेटा ब्रीफ कर देती हूँ कि हिंदी का जो हमारा साहित्य है ये मध्यकाल में, जो हमारा हिंदी के साहित्य का आदिकाल था, आदिकाल के बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, रीतिकाल और भक्तिकाल। तो जो भक्तिकाल था, भक्तिकाल में चारों तरफ से भक्ति की रचनाएं हो रही थी, भक्ति के नाटक लिखे जा रहे थे, कविताएं लिखी जा रही थी, गीत लिखे जा रहे थे, मूर्तियां बन रही थी, हर नाटक जो थे उनमें भक्ति दिखाई जा रही थी, लोग जो भी काम कर रहे थे उसमें भक्ति को एक तरीके से हावी थी सब चीजों के ऊपर। तो उस काल को भक्ति काल कहा जाता है। इस दौरान भक्ति भी किस तरह की हो रही थी, लोग दो तरह से बटे हुए थे। एक कहते थे कि सगुण भक्ति धारा, यानी कि ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते थे, दूसरे थे जो मूर्ति की पूजा को गलत मानते थे। इन दोनों में भी, निर्गुण धारा सगुण धारा दोनों में भी दो दो पार्ट थे। निर्गुण धारा जो थी वो कहती थी ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के लोग कहते थे कि ज्ञान के दम पर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और प्रेमाश्रय शाखा के लोग कहते थे कि हम प्रेम के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बेटा सगुण भक्त जो थे वो भी दो भागों में बटे हुए थे, एक थे राम भक्त और एक थे कृष्ण भक्त। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे, आपके पास इसमें बेटा अलग से वीडियो है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां से देख सकते हैं आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। और फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना काफी है कि जो कबीर थे वो निर्गुण धारा के थे, यानी कि मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और ज्ञानाश्रय उपधारा के कवि थे, यानी कि ज्ञानाश ज्ञान को ये जो है ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे। हिंदी के प्रखरतम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रखरतम मतलब इनकी भाषा बहुत प्रखर हुआ करती थी। इनकी रचनाएं निरक्षर साक्षर सुशिक्षित सभी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, सभी लोग इनकी रचनाओं को बहुत पसंद करते हैं। इनका मुख्य स्वर बेटा विद्रोह का दिखाई पड़ता है, हालांकि कबीर जो है मूल्यहीन विद्रोही नहीं है, इनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनको एक तरीके से एक फॉलो करते हैं, और संत कवि रहे हैं ये अपने आप में। बेसिकली ये संत थे, समाज सुधारक थे, कवि का काम इनका जो था उसी को सपोर्ट करने के लिए था, मतलब कविताएं लिखते थे अपने समाज सुधार के लिए, भक्ति के लिए, इनका मेन काम कविता रचना नहीं था। तो संत कवि सदाचरण पर अत्यधिक बल देते थे, संत कवि थे और सदाचरण पर, यानी कि सच्चे आचरण पर, सही आचरण पर बल दिया करते थे, यानी कि आपको आपका आचरण ठीक रखना चाहिए, ये इनका एक फिलोसफी हुआ करती थी। इन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था पर, जो हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था थी, जो वर्ण बने हुए थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको ये पसंद नहीं करते थे, उसके खिलाफ थे हमेशा, उसका विरोध करते थे, और मनुष्य की उच्चता या नीचता का मानदंड उसके आचरण को मानते थे, उसके वर्ण को नहीं मानते थे। यानी कि जैसे आपके काम हैं, जैसे इन्होंने कहा था ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे कर्म ना ऊंचे हुए, है ना, कि भाई अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वर्ण को नहीं बल्कि इंसान के आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके कर्मों को, कर्म से मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जाहिर सी बात है, अच्छे कर्म और खराब कर्म उनके आधार पर ये व्यक्ति के वर्ण माना करते थे। तो कबीर के पदों की भाषा सरल है, लेकिन सरल भाषा में भी बड़े ही गंभीर अर्थ उन्होंने दिए हैं हमें। तो खास तौर पर अगर इनकी उलटवासियां अगर पढ़ें तो बहुत ही ज्यादा दुरूह लगती है पढ़ने में, तो उनके बहुत ही डीप मीनिंग होते हैं। कबीर ने पदों में अंत साधनात्मक अनुभूतियां प्रकट की, यानी कि जो वो साधना करते थे उसके बाद जो उनको अनुभूति होती थी, जो भी उनको फीलिंग होती थी उसको एक्सप्लेन किया करते थे। इसके लिए उन्होंने हठ योग की जो पारिभाषिक शब्दावली थी उसका भी इस्तेमाल किया। हठ योग बेटा, हठ योग कहा जाता है कुंडली जागरण वगैरह जो होता है सब कुछ वो हठ योगी करते हैं। तो उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली होती थी सुषुम्ना नाड़ी और इड़ा पिंगला, ये सब इन सब का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो कैसे, जियत न मारे मुआ मत लावे मास बहुना घरे मत आवे को कथा और बिनु खुर बिनु चंचु बिनु बपु बिहुना सोई है
सो सावज किन मारे कंता जाके रगत मास ना होई रे। यानी कि वो कहते हैं जियत ना मारी मुआ मत लावे, मांस भी होना घरी मत आवे हो कथा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति है कि जो जीते को मारता नहीं है, मरे हुए को लाता नहीं है, मांस के बिना घर में आता नहीं है, वो कैसा व्यक्ति होगा। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जीत ना मारी, जीते हुए को मारे नहीं और मुआ मत लावे, मुए हुए को मरे हुए को मत लाएं, लेकर ना आए, मांस भी होना घर मत आवे। जो मांस लेकर के, मांस जो पसंद करता है वो घर ना आए हो कंथा, और बिन खुर बिन चंचु बिन, जिसके सिर नहीं है और मतलब दिल नहीं है, और खुर मतलब जिसके पैर नहीं है, चंच मतलब चोंच भी नहीं है, ऐसा है वो कौन है। वो हमारा मन है, यानी कि हमारा जो मन है उसके न तो सिर है, न उसके पैर है, न ही उसकी चोंच है। सो सावज किन मारे कंता जाके रगत मास ना, उसे किस तरीके से कोई कंत मारे, उस पक्षी को कैसे कोई मारे जिसके न तो रक्त है न मांस है। यानी कि अपने मन को कंट्रोल में करने की बात हो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीत ना मारे मुआ मत लावे। ठीक है बेटा, यहाँ संबोधित कंता जो है वो साधक है, मांस मन की चंचल वृत्तियों को नष्ट कर पाने की सफलता है। यानी कि मांस का मतलब है कि हमने अपने मन की जो हमारी वृत्तियां, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया। जो जीवित है उसे न मारना, आध्यात्मिक दृष्टि से बहिर्योन्मुख वृत्ति को न मारना, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को भी नहीं मारना है, ब्रह्मोन्मुख वृत्ति को न मारना है। जो हमारी ब्रह्मोन्मुख वृत्ति है यानी कि जो हमारी ईश्वर से आस्था है उसको हमें बनाए रखना है, मारना नहीं है। मुआ यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से निर्जीव, यानी कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से मर चुका है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिसके अंदर अध्यात्म नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, अतः उसे ना लाने की बात कही गई है कि उसे मत लेकर के आओ जो कि मुआ हुआ है, यानी कि जिसके अंदर धर्म नहीं है। शिकार मन का करना है, उसको चंचल वृत्तियों को नष्ट करके वशुभूत करना है। वही मन सावज यानी कि पशु या मृग शावक है, हिरण है। इस मन व्रत के उर खुर चंचु वप कुछ नहीं होता, इसके ना तो मन होता है, दिल होता है, ना खुर होती है, ना चोंच होती है, इसके अंदर ना रक्त होता है, ना मांस होता है। इसे तो उस पार का परली पार यानी कि उस पार का जो ज्ञान रूपी शिकारी है वही मार सकता है, जिसके पास ना धनुष है, ना धनुष में प्रत्यंचा है। उस मन व्रत के पास शीश नहीं है, यानी कि वो विवेक ही ना, शीश नहीं है यानी कि दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, तो दिमाग कहाँ से होगा, है ना। इसीलिए वह वेली अर्थात शरीर सुख या शारीरिकता पर प्राप्त कर चुका है, शारीरिकता में लिप्त है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। जो मन है वो शारीरिकता में, भौतिकता में जो है क्यों मगन है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन साधक इस मन को मार करके भी जीवित रखता है, इस मन को मार देता है, यानी कि अपने मन की जो कामनाएं हैं उनको मार देता है, और यही सच्चा उसका गुरु ज्ञान होता है। तो कबीर दास जो है ब्रह्म को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वामी अब साधक तुमसे मिलने के लिए प्रस्तुत है, इसका शरीर अवश्य है लेकिन इसके मनोविकार खत्म हो चुके हैं, वो सह समाधि प्राप्त कर सकता है। शिकारी और शिकार के इस रूपक के द्वारा कबीर ने अपनी साधना पद्धति को प्रकट किया है। तो अगला है, जैसे इन्होंने कहा है मोहे जैसे बनिज को कवन उकाज, जैसे बनिए का ये काम ही नहीं है, जी घटे मूल नित बढ़े ब्याज। जहां पर मूल जो है वो घट जाता है और ब्याज रोज का बढ़ जाता है, मतलब मुझ जैसे बनिए का ये काम ही नहीं है, ये मेरे जैसे बनियों का काम नहीं है, कि जहां पर मुझे ऐसे बनिए से, ऐसे व्यापार से कोई काम नहीं है जिसमें कि रोज का मूल घट जाए और ब्याज उस पर बढ़ जाए। नायक एक बनजारे पांच, एक नायक है और पांच बनजारे हैं, पांच बनजारे होने के चक्कर उन्होंने हमारी पांच जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको कहा है। बरद पश्चिम के संग कांच, नल बहियों दस गौने आहे, कसने बहत्तर लागिता है, सात सूत मिले बनिज कौन, करम भावरे संग लीन, तीन जागृति कर रारी, चलो बने जा रहा हाथ जारी, बनिज खुटाने पूंजी टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कहे कबीर यह जन्मवादी, सहज समानो रही लादी। बेटा आपके यहाँ जितने भी ये उनके काव्य को रखा गया है सिलेबस में, इसको आपने उदाहरण के तौर पर याद करना पड़ेगा, आपको इसमें से व्याख्याएं आ सकती हैं, तो ये आपको सारे के सारे समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पर जो कबीर दास हैं वो व्यापार के साथ रूपक बांध रहे हैं कि देखिए शुरुआत यहाँ से है, मोहे जैसे बने जिससे कब उनका, मुझे ऐसे व्यापार से क्या फायदा जिसमें मूल बढ़ता है और ब्याज, मूल घटता है और ब्याज बढ़ जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि माल बैलगाड़ियों पर लाद करके तब लेके जाया जाता था। बेटा उसी टाइम की बात वो कर रहे हैं कि जैसे मुझे उस व्यापार से क्या काम है कि जिसमें मुझे हानि उठानी पड़े, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, जिसमें कि ब्याज निरंतर बढ़ता जाता है और मेरा मूलधन यानी कि मेरा जो एक तरह से प्राइम मनी है वो घटता चला जाता है। तो इस व्यापार का एक नायक है यानी कि एक जीव है, उसके
पांच महाभूत है। पांच महाभूत क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों को उन्होंने, जिन पंच तत्वों से मिलकर बनाए, पांच ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं की है यहाँ पर बेटा, ने सॉरी, इन्होंने यहाँ पर पंच तत्वों की बात कही है, जो एक नायक है, यानी कि जो शरीर है, इसे उन्होंने इंसान को, शरीर को या फिर इंसान को उन्होंने नायक कहा है। वो पंच तत्वों से मिला करके बना है, उन्हें उन्होंने कहा है कि बंजारे पांच, नायक एक है और बंजारे पांच हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसमें 25 बैलों का कच्चा अस्थिर साथ है। 25 बैल कौन कौन से हैं? साधना पक्ष में 25 प्रकृतियां, इनमें बांस की खपच्चियां हैं, बांस को 9 खपच्चियों या बहियों का आसन पद की 9 नाड़ियों से है। बेटा 9 नाड़ियां आपने, अगर आप हठ योगी पर जो योग का पाठ पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। साथ में 10 गोनी है। गोनी की कहते हैं दो मुंह के थैले को, जिसमें दोनों तरफ से मुंह होता है, इसमें एक तरफ से बंद करके सामान लिया जाता है। पहले क्या होता था बेटा, ये थैले लेकर के जो लोग थे वो यात्राओं पर निकला करते थे। इसके बाद वो 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 10 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं, और मतलब 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। उन्होंने 10 गौनी कहा है और इनको दो मुहा थैला कहा है। तो इंद्रियों को दो मुहा थैला कहने का मतलब है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी भी हो सकती है और बहिर्मुखी भी हो सकती है। इसमें कसने के लिए 72 कसनियां रस्सियां लगी हैं। 72 रस्सियां कौन सी हैं? हमारे शरीर की 72 ग्रंथियों को उन्होंने 72 कसनियां कहा है, कि जो हमारी इन सारी की सारी इंद्रियों को बांधे हुए हैं। ये व्यापार 7 सूत्रों का सौदा किया गया है, यानी कि 7 सूत्र क्या क्या है इसमें, जो कि योग कहता है हमारे शरीर के 7 जो बेसिक जो है हमारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के, जो कि साइंस भी कहता है बेटा, रक्त, मांस, मज्जा, वसा, अस्थि, शुक्र, रस, है ना। यही सारे के सारे हैं वहां पर भी बेटा, कि जैसे कि आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे के सारे आप इंग्लिश साइंस में भी पढ़ते हैं, तो वही सारी सारी बातें यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कबीरदास जी। इस व्यापार यात्रा में कर्म या प्रारब्ध की भामरी है, अर्थात कर्मों के अनुसार मनुष्य को नाना योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ तीन जगाती चुंगी वसूल करने वाले हैं। तीन जगाती कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों के तीनों जो गुण है, सतोगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों को उन्होंने चुंगी वसूल करने वाला बताया है। लेकिन इस व्यापार यात्रा का अंत कहाँ पर होता है? पांचों बंजारे जो है वो हाथ झाड़कर चल देते हैं। पांचों भूत अलग अलग अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि इंसान का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, इस प्रकार जीवन व्यापार का जो है उसकी आयु ही खत्म हो जाती है और व्यापार जो है वो 10 दिशाओं में बिखर जाता है। तो कबीरदास के हिसाब से ये जीवन असफल और निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको कहीं भी एक उचित सौदे में नहीं लगाते हैं तो इस व्यापार में वो जाते ही नहीं है, वो तो उचित सौदे को लार कर सहज समाधि में लीन होते हैं, कि वो अपनी पूजा को, ध्यान को, सहज समाधि को एक सच्चा सौदा बताते हैं। तो देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। नायक को एक बंजारे पांच, बर्द 25 के संग पांच, और 25 बर्द, 25 उनको बैलों ने बांधा हुआ है, 25 उतने हैं। नड़ बहियों 10 गौनियां हैं, 10 उनके पास साथ में ऐसे बोरे हैं जो कि दो तरफ से खुलते हैं। कसन 72 लागेता है, उसमें 72 रस्सियां लगी हैं उसको बांधने के लिए। 7 सूत मिले बने जो 7 सूत मिलकर के उसको बनियों को बना रहे हैं। कर्म भावरी रंग संगीन, और कर्म की उसके कर्मों की भावर उसके साथ चल रही है। तीन जगाती उसके साथ झगड़ा करते हैं। बंजारा जो है आखिर में हाथ झाड़ के चला दे जाता है, और बनोज खुटानी पूंजी टूट, बनी जो खुटानी, बनी की खूंटी टूट गई तो दही देव तांडो गयो फुट। जब इंसान का शरीर टूट गया, बनी खटानी पूंजी टूट गया, मतलब कि जब इंसान का शरीर खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो पंच तत्व थे, पंच जो उसके जो है पंच महाभूत थे, वो सारे के सारे 10 दिशाओं में फैल गए। तो कबीर कहते हैं कि ये जन्म जो है ये, इसको मैं बड़े सहज सामान के साथ लाद करके चल रहा हूँ। मैं ऐसे व्यापार को करता ही नहीं हूँ जिसमें मुझे घाटा हो, क्योंकि अगर इंसान का शरीर मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाता हूँ, तो एक समय के बाद ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सारे के सारे तो व्यापार करता हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति का व्यापार करता हूँ। तो उन्होंने एक रूपक बांधा है व्यापार के साथ बेटे, तो कि भाई व्यापार कैसे करते हैं लोग। उन्होंने अपनी भक्ति को व्यापार के साथ रूपक बांध के एक तरह से कंपेयर करके आपके सामने लेकर के आई। तो हठ योग की साधना तत्कालीन व्यापारिक शब्दावली के द्वारा संकेतित हुए यहाँ पर, कि हठ योग की साधना जो है किस तरीके से पंच तत्व, पंच महाभूत, उनकी सबकी चर्चा यहाँ पर की रही जो है कबीरदास जी ने, और उनको किस किस तरीके से सब चीजों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, ये आपने देखा अभी बेटा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी व्यापार करता हूँ लेकिन मेरा लक्ष्य परमार्थ है, सहज समाधि है। इस लाभ की तुलना में लौकिक व्यापार बहुत ही हीन है, यानी कि संसार में जो लोग व्यापार करते हैं वो इस जो अलौकिक व्यापार के मुकाबले बिल्कुल तुच्छ है। तो इस पद के द्वारा कबीरदास जी जो है सांसारिक लाभ हानि के झंझट में पड़ने की बजाय अपनी साधना में प्रवृत्त होने का एक तरह से लोगों को सलाह देते हैं। अब उनकी सामाजिक चेतना की बात अगर करते हैं तो समाज के बारे में उनके क्या विचार थे, क्या उनकी विचारधारा थी, वर्ण व्यवस्था उनके बारे में क्या था, कि कबीर जो है भक्त कवि थे,
सभी को मालूम है कि कबीर एक भक्त थे। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चला, हालांकि मूलतः धार्मिक आंदोलन था ये, लेकिन इसका प्रभाव सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों पर पड़ा। जितनी भी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें थी हमारी, सभी पर इसका फर्क पड़ा। तो भक्त कवि, भक्त साधक, समाज सुधारक, कवि और लोक नेता, सभी कुछ एक साथ थे। कबीरदास जी भक्त भी हुआ करते थे, वो कवि भी थे और साथ में भक्त साधक भी थे, वो साथ में समाज सुधारक थे, कवि भी थे और लोक नेता भी थे अपने समाज के, वो जन नायक भी हुआ करते थे, लोग उनकी बात को फॉलो भी किया करते थे। तो समाज में अनेक विषमताएं थी उनके टाइम पर, जो उनका समाज था उसमें बहुत सारी विषमताएं फैली हुई थी, बहुत सारी परेशानियों से लोग उस टाइम के जूझ रहे थे, समाज में समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का रूप जो था वो विकृत हो चुका था, इस टाइम तक आते थे। इंसानों में उच्चता और नीचता का मापदंड उनका जन्म कुल तय हो चुका था, जो ऊंचे कुल में जन्मा है ऊंचा, जो नीचे कुल में जन्मा है वो नीचा, ऐसा तय हो गया था। और ब्राह्मण चाहे कितना भी दुराचारी हो सामान्य होती थी ये बात बिल्कुल, और शुद्ध चाहे कितना ही सदाचारी हो उसे नीच ही माना जाता था, ये व्यवस्था आ चुकी थी। तो कबीर ने इस आधार को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, उन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके कर्मों के आधार पर उसको ऊंचा या नीचा माना जाना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति की उच्चता का आधार सदाचार और साधना को माना, यानी कि वह व्यक्ति उच्च है जिसका आचार अच्छा है, जिसकी साधना जो करता है। तो कहते हैं पांडे कौन कुमति तो ही लागी तू राम न जपाई अभागी। पांडे एक कबीर दास जी की बेटा बड़ी खासियत है कि वो किसी ना किसी को अनाउंस करते हुए, किसी ना किसी को संबोधित करते हुए कविता लिखते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं पांडे यानी कि ब्राह्मण से कह रहे हैं कि तेरी कौन सी कुमति हो गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या कि तू राम का जप नहीं करता है, तू अभागा है क्या कि जो तू राम के नाम का जप नहीं करता है। वेद पुराण पढ़त अस पांडे खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत समझत नाही अंत पड़े मुख छारा। यानी कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ते हैं पांडे खर चंदन जैसे भारा, और उनको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि चंदन की तरह से, भार की तरह से पढ़ते हैं, राम नाम का तत्व नहीं समझते हैं, अंत में मुंह पर उनके छाला पड़ जाता है। वेद पढ़ा क्या यहू फल पांडे सब घट देखे रामा, जन्म मरण थे तो कुल तू झूठे सुफल हई सब कामा। जीव बधत अरु धर्म कहत हो अधर्म कही है भाई, यानी कि वो कहते हैं कि तुम जीव का वध करते हो। अभी पूरे का बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपन तमुन जन है बैठे कास ने कहां कसाई, नारद कहे व्यास यो भाषे सुखदेव पूछो जाए। यानी कि वो कहते हैं कि वेद पढ़ते हो तुम है ना, और ये सब घट देखे रामा, और मैं तो सब घट घट देख चुका हूँ, जन्म मरण तो तू छूटे सुफल है ये सब कामा। जन्म मरण की जो है ये जो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है और सारे के सारे काम सफल हो जाते हैं। जीव वधत अरु धर्म कहत, तो तुम जीव की हत्या करते हो, जीव का वध करते हो और उसे धर्म कहते हो, अधर्म कही है भाई, फिर अधर्म किसे कहते हैं। आपन तो मुनि जन है बैठे कासने कहां कसाई, और तुम ऐसा करने के बाद भी खुद को अगर मुनि कहते हो तो कसाई किसे कहते हैं। नारद कहे व्यास यो भाषे सुखदेव पूछो जाए, यो कहते हैं कि एक तरीके से इसको जाकर के उनसे पूछो कि जो अपने आप को मुनि कहते हैं, जीव की हत्या करते हैं, तो उनसे और कसाई में क्या फर्क है। कबीर का मत ये था कि सभी के सभी मनुष्य समान है, उनमें कोई फर्क नहीं है, इसीलिए वो ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं जो ब्राह्मण तुम बमनी का जाया और राहते काहे ना आया। यानी कि अगर तुम्हें ईश्वर के तुम खास हो ब्राह्मण, तुम अगर ब्राह्मणी ने तुम्हें पैदा किया है तो तुम किसी और रास्ते से क्यों नहीं आए, तुम उसी रास्ते से दुनिया में क्यों आ गए, मतलब अपनी माँ के गर्भ से ही दुनिया में क्यों आ गए, वहां से तो सभी लोग आते, तुम अगर स्पेशल थे तो सभी की तरह से तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। साथियों जो है इसे इस्लामिक जो कट्टरपंथी थे उनके लिए भी कहते हैं काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये भी था उनका कि कंकर पत्थर की मस्जिद जोड़ करके बना लिया, उसके ऊपर चढ़ करके चिल्ला रही हो क्या खुदा बहरा हो गया है। तो कबीर ने मुल्ला को भी अपनी साधना में दीक्षित होने का निमंत्रण दिया। मुल्ला तो ऐसी नमाज पढ़, एक मस्जिद है जिसके 10 दरवाजे हैं, अपने मन को मक्का बना, देह को काबा बना, वो जो बोल रहा है उसी को गुरु बना, तमोगुण को मार दे, भ्रम को दस्तरखान बना, पांचों इंद्रियों का भक्षण करके संतोष धारण कर, यानी कि संतोष की शिक्षा दे रही है वो मुसलमानों को भी कि अपने मन को मक्का बना लो, अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने देह को भी पवित्र बनाओ, और वो जो ईश्वर जो तुम्हें बोल रहा है, जो तुम्हारा गुरु जो बोल रहा है, उसी को अपना इमाम बनाओ, अपने अंदर से सारी की सारी बुरी आदतों को मार दो, सारे अवगुणों को खत्म कर दो और भ्रम को, एक तरह से भ्रम को खत्म कर दो। आगे वो कहते हैं कहोरे बुल्ला बांग, यह इसी का इनकार आता है, इसी की व्याख्या है, कहोरे बुल्ला मुल्ला बांग ने वाजा एक मस्जिद 10 दरवाजा। ये मुल्ला तुम इस तरह की नमाज पढ़ो कि जहां पर एक मस्जिद में 10 दरवाजे हों, 10 दरवाजे उन्होंने हमारी पांच जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया उनको बोला है। मनो करे मक्का किवला करी देही, यानी कि अपनी मन को मक्का करो और
अपने शरीर को काबा बना लो। बोतन हाउ परम गुरु ए, बोलन हाउ परम गुरु ए। और कहते हैं कि यही बात, यही गुरु की शिक्षा है। बिसिमिल तामस भरुम कंदूरी बकिले पंच होए सबूरी, यानी कि कहते हैं कि पांचों इंद्रियों को एक तरीके से तुम एक तरह से उनको अपने कंट्रोल में ले लो और उसके बाद ही संतोष धारण करो, यही भक्ति होगी। कबीर मानव मात्र को एक मानते थे, सभी मनुष्य समान हैं ऐसा उनका मानना था। वे जात पात कुल वंश रक्त नस्ल के आधार पर मनुष्य मनुष्य में अंतर करने के विरोधी रहे। हमेशा उन्होंने किसी भी मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद करने का हमेशा विरोध किया। उनका विचार था कि सबसे पहले अल्लाह ने जो प्रकाश उपस्थित किया था उसी से ये दुनिया बनी और सृष्टा सृष्टि में सृष्टि सृष्टा में व्याप्त है, जो ईश्वर है वो इस सृष्टि में व्याप्त है और ये सृष्टि जो है इसमें ये खुद ईश्वर में व्याप्त है। खालिक खलक खलक महसालिक सब घटे रहा समाई, अव्वले अल्लद नूर उपाया कुदरत के संबंधे एक नूर ते सब जग हुआ कौन भले कौन मंदे। यानी कि वो कहते हैं कि इस जो सृष्टि है यानी कि जो क्रिएटर है इस क्रिएशन के अंदर ही मौजूद है और ये क्रिएशन जो है ये भी क्रिएटर के अंदर ही मौजूद है, यानी कि प्रकृति जो है ब्रह्मा के अंदर मौजूद है, ब्रह्मा प्रकृति के अंदर मौजूद है और सबसे पहले ईश्वर ने या कह लीजिए कि अल्लाह ने एक नूर पैदा किया था, उसी से सभी का जन्म हुआ है और उस नूर से ही ये सारी की सारी दुनिया बनी है। तो कौन भला है कौन मंदा है, सभी लोग एक जैसे हैं। ये थी उनकी सामाजिक विचारधारा। उसके बाद मिथ्याचार पर उनका क्या कहना था। बाह्य आडंबर मिथ्याचार कर्म कांड के विरोधी रहे वो हमेशा। कबीर का जन्म हुआ उस समय देश में अनेक तरह की साधनाएं प्रचलित थी, बौद्ध धर्म का प्रभाव घट चुका था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर नाथ सिद्ध साधना का काफी प्रचलन रहा होगा। इसके लिए उनके प्रसिद्ध जो गुरु गोरखनाथ थे उन्होंने जिस हठयोग साधना का प्रचार किया था वो शुरू में शरीर को निर्मलता और संयम पर बहुत बल दिया करते थे, यानी कि जो गुरु थे गोरखनाथ उन्होंने हठयोग साधना पर बल दिया था। इसमें क्या था कि शरीर की शुद्धि पर शरीर के संयम पर बहुत बल दिया जाता था। उस समय सहज शब्द बहुत प्रचलित था, सहज शब्द हर जगह इस्तेमाल हुआ करता था जिसका मतलब था इंद्रियों को वश में करके चित्त को परम सत्ता में लीन कर देना, कि अपनी इंद्रियों को वश में करना और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना। किंतु इस सहज का जो रूप सहज सुख और महासुख की साधना में सामने आया उसका कोई संबंध इंद्रिय दमन से नहीं था, यानी कि कबीर दास जो हैं वो सहज सुख की महासुख की बात करते थे, वो इंद्रियों के दमन की बात कभी भी नहीं कहते थे, उन्होंने सहज रूप सामने रखा। वो कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे सहज न चौंडे को, यानी कि सहज सहज सब कहते हैं लेकिन सहज है क्या वो कोई नहीं समझता है। जिन्हें सहज है विषया तजी सहज कही जैसो, यानी कि जिन लोगों ने सहजता से सारे के सारे विषय विकार तज दिए वही सहज है। सहज सहज सब कोई कहे सहज न चीने कोई, कोई सब सहज सहज कहते हैं लेकिन सहज को पहचानता नहीं है। जिन्हें सहज है हरि जो मिले सहज कही जैसो, जिनको सहज होने से हरि मिल गए, जिस सहजता से हरि मिल जाए वही सहजता है, यानी कि वही सहजता है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने पंडित मुल्लाओं ने के ही कर्म कांड और बाह्य मिथ्याचार का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने नादी बेदी सबदी मौनी उस टाइम के जितने भी तरह के साधक हुआ करते थे अलग अलग ये बेटा के सभी की अपनी अपनी धार्मिक प्रथाएं चल रही थी, उन्होंने सभी को व्यर्थ घोषित कर दिया था। उन्होंने नारदी शक्ति की हृदय साधना पर जोर दिया। उनका कहना था कि आपकी हृदय में ईश्वर के लिए भक्ति होनी चाहिए। नादी भेदी सबदी मौनी जमके पटे लिखाया भगदी नारदी हृदय न आई काच कुचित न दीना, यानी कि वो कहते हैं कि सभी ने जमके पटे लिखवा लिए अपने नाम कि हम भक्त हैं हम भक्त हैं, लेकिन किसी के हृदय में भक्ति नहीं आई, किसी के मन में सच्ची भक्ति पैदा नहीं। हिंसा के बारे में कबीरदास जी के क्या विचार थे। कबीर जो थे वो शोषण अत्याचार पीड़ा के प्रत्येक क्षेत्र में अपना विरोध स्वर मुखर करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ कबीरदास खड़े थे। जो शोषण कर रहा है जो पीड़ा दे रहा है किसी को उसके खिलाफ कबीरदास जी थे। जो व्यक्ति शोषित हो रहा था जो व्यक्ति सताया जा रहा था उसके साथ कबीरदास जी थे। उनकी करुणा उन मूक पशुओं के प्रति भी प्रकट होती है जिनका मांसाहार किया जाता है, जिन जानवरों की बलि दी जाती थी जिनको मांसाहार के लिए काटा जाता था उनके लिए भी कबीरदास के मन में बहुत एक तरीके से हमदर्दी थी। मांस खाने वाले मुसलमानों और शाक्तों दोनों की ही वो भर्त्सना किया करते थे। शाक्त होते थे बेटा जो शक्ति के उपासक होते थे, शक्ति की पूजा किया करते थे हिंदुओं में वो शाक्त कहलाते थे, और मुसलमान थे वो मांस खाने वाले जो होते उनको दोनों को ही ललकारते हैं। कहते हैं बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खा ली, कि जो बकरी पत्ते खाती है उसकी तो खाल उतार ली गई, जो नर बकरी खाते हैं उनका कवन हवाल, तो जो लोग इन बकरी को खाते हैं उसका क्या हाल होगा। यानी कि वो कहते हैं कि तुम सभी को एक कहते हो फिर भी पशुओं का अन्य समझ करके मारते हो, हक हक बोलते हो फिर भी कुक्कुट बकरी मारते हो, साईं को सभी जीव प्यारे हैं जिससे बोलने से तुम्हारा उद्धार होगा। यानी कि समघट एक एक करे लेखे भी दूजात करे मारे, यानी कि तुम सबको एक कहते हो लेकिन फिर भी एक एक करके सबको तुम मार के खा जाते हो, कुकड़ी मारे बकरी मारे हक हक करी बोले सभी जीव साईं के
प्यारे वह हो गया किस बोले, मतलब कि वो कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि एक है सब एक है, लेकिन फिर भी तुम दूसरे जीवों को मारते हो, कुकड़ी मारे यानी कि कुकुर को, यानी कुकड़ी यानी कि मुर्गे को मारते हो, बकरे को मारते हो, और हक हक बोल के बोलते हो कि हमारा हक है। ये तो गलत है, क्योंकि सभी जीव जो है ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो फिर आप उनको ऐसे कैसे कह सकते हो। शाक्तों की घोर निंदा करते थे, जो बलि दिया करते थे उनकी, ये बहुत विरोधी थे। वो कहते थे कि वैष्णव चांडाल अच्छा है किंतु शाक्त ब्राह्मण नहीं, क्योंकि वो मांस नहीं खाता, वो मांस खाता है। साक्त ब्राह्मण मत मिले वैष्णव मिले चंडालू, कहते हैं कि साक्त ब्राह्मण मुझे ना मिले, भले वैष्णव चंडाल मिल जाए, क्योंकि वैष्णव लोग जो होते थे, वैष्णव लोग जो होते थे उनमें बलि का रिवाज नहीं था। आगे वो कहते हैं सामाजिक चेतना की रचनात्मकता में क्या बात आती है। कबीरदास की सामाजिक चेतना को परखने के दो साधन है बेटा। पहले तो वे सामाजिक विषय थे जिन्होंने जिन पर उन्होंने खुल करके अपने विचार प्रकट किए, जैसे वर्णाश्रम था, अंधविश्वास थी। इसके अलावा उनकी रचनात्मकता में घुले मिले उपकरणों पर विचार करते हुए कुछ विचार मिले, जिन्हें उन्होंने अपने काव्य संसार में निर्मित किया था। यानी कि कुछ चीजें उन्होंने डायरेक्ट कही, कुछ बातें उन्होंने इनडायरेक्ट कही, जैसे कि माया, माया के बारे में उनके क्या विचार थे। माया यानी कि कनक उन्होंने नाम दिया माया को। कबीर दास पर अद्वैत हठ योग आदि का गहरा प्रभाव था, अद्वैत योग का हठ योग का बहुत प्रभाव था कबीर दास जी पर। वो माया की भर्त्सना करते हैं, माया की निंदा करते हैं, साथ ही कहते हैं कि माया से कोई नहीं बचता, बड़े बड़े पठित ज्ञानी ध्यानी भी माया के वश में आ जाते हैं। और माया को कबीरदास आमतौर पर कनक और कामिनी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, उनको बुलाते हैं कनक कामिनी माया को। तो धन जोड़ने की माया के वो तीव्र विरोधी थे, वे उतना ही धन चाहते हैं जितने में कि उनके कुटुंब को पालने के लिए उनको सहायता हो जाए, काफी हो जाए, खुद का पेट भी भर जाए और घर आया व्यक्ति भी भूखा ना रहे। तो यहाँ वो दोहा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं यानी कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि जिसमें मेरे सारे के सारे कुटुंब का पेट भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर आने वाला भी भूखा ना जाए। तो जो व्यक्ति अधिक धन कमाने के चक्कर में पड़कर राम को भूल जाता है, वो असफल माना है उन्होंने कि सफल व्यक्ति वो है जिसे राम का स्मरण रहता है। जो व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में राम को भूल चुका है, वो सफल व्यक्ति कबीर की नजर में नहीं है। और वो कहते हैं कि तन और धन का गर्व करना मूर्खता है। अगर आप अपने शरीर का, सुंदर शरीर का, या फिर आपके पास बहुत धन है उसका आप घमंड कर रहे हैं, तो वो मूर्खता है। साथ ही वो कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली लोग केवल कुछ दिनों तक अपनी नौबत बजवा सकते हैं, कि अगर आपके पास ऐश्वर्य है, धन है, आप पावरफुल हैं, कुछ दिनों तक आपका महिमा मंडन होगा, उसके बाद लोग आपको भूल जाएंगे। कुछ श्रमिक धन अर्जित करके उसे मिट्टी में गाड़ रखते हैं कि समय पर काम आएगा, लेकिन मृत्यु के बाद वो धन बेकार पड़ा रहता है, उससे कोई काम नहीं चलता। यहाँ पर उन्होंने भक्ति के लिए एक बात कही है कि वो अपनी भक्ति को अपने मन में गाड़ के रखते हैं कि जब हमारे बुढ़ापा आएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे, लेकिन मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो वो भक्ति उनके काम नहीं आती है। तो कहती है, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतना खटिया गडले मटिया संग ना कछु ले जाए। कहते हैं कि चार दिन अपनी नौबत बजा करके चले चाहिए। यहाँ से नौबत बजाना यानी कि अपनी शहनाई बजाना, अपनी धुन में गाना, अपनी धुन में रहना, अपने आप को महिमा मंडन करना। कहते चार दिन यहाँ नौबत बजा कर चल दिए और यहाँ पर खटिया मटिया कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी आपका यहाँ पर इतना कुछ आपने जोड़ा था, खटिया मटी गडले मटिया, मतलब तुमने अपनी जो इतने खजाना जो मिट्टी के नीचे गाड़ा था, अब तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि चार दिन के बाद तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो गया। धन ऐश्वर्य और सांसारिक सफलता उनकी दृष्टि में मूल्यहीन धन को माया उन्होंने कहा था, है ना। और उनकी नजर में धन ऐश्वर्य सांसारिक सफलता किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं थी, धन को माया कहते थे। और परम साधे से विकृत करके वो भगवान से भी दूर ले जाने वाली बताते थे माया को, माया यानी कि पैसा और नारी। कबीरदास परिश्रम से अर्जित धन को बुरा नहीं मानते हैं, यदि आपने मेहनत करके पैसा कमाया तो उसे कबीरदास जी बुरा नहीं बताते हैं, लेकिन ईमानदारी से केवल उतना ही धन आ सकता है जिसमें कि आप अपने परिवार का पेट पाल सकें। ऐसा भी उनका मानना था कि ईमानदारी से बेहिसाब पैसा नहीं कमाया जा सकता। अब सामंतवाद के बारे में कबीरदास की क्या विचारधारा थी। कबीरदास का काल जो था उस टाइम पर, जो भारत था, भारत में सामंतवाद का उत्कर्ष काल था, यानी कि सामंतवाद खूब फल फूल रहा था उस टाइम पर। सामंतवाद क्या होता था, सामंतवाद का आधार था छोटे छोटे हस्तोद्योग, छोटे छोटे से एक तरीके से क्राफ्ट के काम चल रहे थे, हस्तोद्योग के काम चल रहे थे। कबीरदास खुद भी जुलाहा जाति की थी, कपड़ा बुनने का काम करते थे, और इसी तरह की एक हस्तशिल्पी या श्रमजीवी जाति थी उनकी उसके टाइम की, वही श्रमजीवी जाति हुआ करती थी जुलाहा, उसी से कबीरदास जी बिलोंग करते थे। लेकिन सामंतवाद में संपत्ति के साधनों पर अधिकार सामंतों का ही होता है और सबसे अधिक शोषण वही करते हैं। सामंतवाद में क्या होता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन है, उन पर जो कब्जा राजा का होता है, आप लोग काम करते हैं और आपको आपके काम के बदले कुछ पैसा मिल जाता है, चीजें सारी की सारी उस राजा की होती है। तो इस व्यवस्था में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बहुत दुर्गति थी। जो लोग थे केवल मजदूरी करवाई जा रही थी, उनका था कुछ नहीं, तो उनकी बड़ी दुर्दशा हो रखी थी।
कबीर ने इस शोषण का वर्णन अपने साहित्य में नहीं किया, किंतु उनके रूपकों से पता चलता है कि वे भूमिहीन खेतिहर की पीड़ा को समझते थे। उन्होंने अलग से ऐसे खेतिहर मजदूरों के लिए कोई काव्य नहीं लिखा, लेकिन यहाँ नहा जहां तहां उन्होंने उनके लिए उदाहरण लिखे हैं, तो उससे पता चलता है कि उनको उनकी कितनी फिक्र थी। वो कहते हैं कि मालिक, मैं अब इस गांव में अब नहीं बसूंगा। एक नगर था जिसमें एक जीव था, 5 किसान थे। नैन के निकट श्रवण और रसना है, इंद्रियां कहना नहीं मानती। गांव के ठाकुर का खेत खोने पर है, उनके काम करने दूर जाना पड़ता है। कायस खर्च देता नहीं है, जोर जबरदस्ती करके खेती कराता है। सब मिलकर मुझे मारते हैं, खोटा मैं तो विकट बला है। बुरा दीवान फरियाद नहीं सुनता, एक बांधता एक मारता है। धर्मराज ने जब हिसाब मांगा तब सारा का सारा भारी कर्जा निकला, 5 किसान भाग गए, जीव को पकड़कर बांधा गया। यानी कि वो अपने शरीर को जीव बता रहे हैं। उसे 5 किसान कौन से भाग गए, 5 तत्व जो थे अपनी अपनी जगह चले गए। तो कहते अब ना बसो यही गांव गोसाई, तेरी नहीं होगी खरे सयाने हो रहा। मैं कि तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सयाने हैं, यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं, मैं इस गांव में नहीं बसूंगा। नगर एक तह जी भरम होला बसे सो पंच के सारा। एक जो नगर था वहां एक जीव रहता था जिसके साथ 5 किसान थे। नैनो निकट श्रवण रसनो इंद्री कहना न माने हो राम। यानी कि उनकी आंखें जो थी पास में थी, उनके कान श्रवणों मतलब कि जो है कान रसनो मतलब कि जीव उनका कहना नहीं मानते थे। गाय को ठाकुर खेत कोने पे कायत खर्च न पा रहे हो, कहते थे कि जो ठाकुर के खेत पर गए थे वहां पर जो है क्या कि कायत खर्च न पा रहे वहां पर जाकर के। जोरी जेवरी खेती पसारे सब मिले मौका मारे हो रहा। वहां पर जाने पर सभी ने मुझे मिल करके मारा, वहां पर कोई भी मेरी बात सुनता नहीं था। खोटी मैथी विकट बलाई सिरकस दम का पारे, बुरी दीवान दादी नहीं लागे, एक बांधे एक मारे हो रहा। मुझे वहां पर एक व्यक्ति बांध लेता है एक मारता है, यानी कि जो माया है वो मुझे बांध लेती है मारती है। घर मराए जब लेख भाग गया बाकी निकसी भारी, 5 किसान भाज गए हैं जीव पर भारे हो धारी हो रहा। मतलब जब मैं घर वहां पर घबराया और मैंने देखा तो मेरे भाग्य में से निकसी बारी, मेरे ऊपर बड़ा कर्जा निकला और 5 किसान अब भाग गए हैं और जीव जो है उसके ऊपर बड़ी बाधा आ गई है। तो जीव शरीर और 5 महाभूतों का उन्होंने रूपक बनाया है। यहाँ पर गांव के कृषक मजदूर ठाकुर कायस्थ महतो दीवान सूद पर पैसा देने वाले इन सभी के संबंधों को भी यहाँ पर वो साथ के साथ ग्रहण कर रहे हैं। किस तरीके से जो सूद पर पैसा देने वाला है वो कैसे मार रहा है बांध करके, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो गाँव में वर्गों और वर्णों का जो अंतर संबंध है उसे देख रहे हैं और कविता में चित्रित कर रहे हैं वो। तो कबीरदास अपने आप को राम का गुलाम कहते हैं और कहते हैं कि राम मुझे चाहे तो बेच दे, मैं गुलाम मुहे बेच गुसाई, राम मुझे चाहो तो बेच दो। तन मन धन मेरा राम जी के ताई, मेरा तो तन मन धन श्री राम के लिए है। आने कबीरा हाटी उतारा सोई ग्राहक बेचन हारा, यानी कि वही कबीर का वो बाजार में उतारता है, वही कबीर का बेचने वाला है, वही कबीर का ग्राहक है। विषमता और पीड़ा से उत्पन्न होने वाले धन ऐश्वर्य और शक्ति को कबीरदास माया का प्रतीक मानते हैं। यानी कि अगर आप किसी को पीड़ा दे करके कुछ कष्ट दे करके बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं तो वो माया है, उसको माया का नाम देते हैं और कहते हैं कि माया जो है इंसान को मोक्ष प्राप्त करने में बाधक होती है। अब बात करते हैं कामिनी, यानी कि उन्होंने महिला के बारे में क्या बात रखी। कनक के साथ साथ कामिनी को भी वो माया का प्रतीक मानते थे। कामिनी यानी कि नारी को, महिला को भी वो माया का प्रतीक मानते थे। आमतौर पर मध्यकालीन जो संत थे उन्होंने नारी को माया का ही रूप माना, क्योंकि वो अपने आकर्षण के पास में बांधकर, अपने आकर्षण में बांध करके साधक को अपने पद पर बढ़ने नहीं देती है। उनका मानना था कि नारी जो है, महिला जो है, वो पुरुष को एक तरह से प्रगति के पद पर बढ़ने नहीं देती है, तो नाना प्रकार से विचलित कर देती है, उसका एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है। तो कबीर के यहाँ नारी सांसारिकता का प्रतीक है। कबीर ने नारी शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया, यानी कि सांसारिकता, दुनियादारी, इसने सबको खा लिया है। केवल संत ही इससे बच सकते हैं, दुनियादारी से केवल संत ही बच सकते हैं। जो रू जगत की जूठन है उत्तम लोगों से अलग ही रहते हैं, कि जो जगत की जूठन है ये माया, और जो उसके बीच में है वही उसके पास जाते हैं। जो माया से मतलब कि जकड़े हुए हैं वही उसके पास जाते हैं, उत्तम लोगों से दूर रहते हैं। जोरू जूठन जगत की भले बुरे का नीच, उत्तम दे अगले रहे निकटे रहे थे। मतलब वो कहते हैं कि जोरू जो है वो एक ऐसी महिला जो है वो जगत के भले बुरे के बीच का जूठन है, एक तरह जूठन है वो, और जो अच्छे लोग होते हैं दूर रहते हैं, जो निकट रहते हैं, नीच होते हैं वही उसके माया से फंसे हुए रहते हैं। कबीर के लिए नारी केवल साधना में बाधक होने के लिए निंदनीय नहीं थी। कबीर नारी की निंदा सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि वो साधना में जो है एक बाधक बनती थी। तत्कालीन सामंतों की विलास प्रवृत्ति के प्रति घृणा का भाव भी कबीर के यहाँ नारी निंदा के रूप में प्रकट होता है। उस टाइम पर बहुत से लोग थे बेटा जिनके पास नारी गमन, वेश्या गमन वगैरह बहुत प्रचलित हो चुका था। इसकी वजह से भी जो कबीरदास थे वो नारी को इस तरीके से घृणा का पात्र मान करके बात करते हैं। जयसी आदि सूफी कभी भी नारी को सांसारिकता और परमात्मा का प्रतीक मानते थे। पद्मावत में नागमती को सांसारिकता का प्रतीक दिखाया गया बेटा, और पद्मावती जो है उसे परमात्मा का प्रतीक दिखाया गया है। यानी कि नारियों को भी संगीत जो है साहित्य में
अलग अलग तरीके से देखा गया। हालांकि उसमें ज्यादातर निंदा उन्होंने पर नारी की, यानी कि किसी और नारी के पास यदि पुरुष जा रहा है तो उसको वो निंदा करते हैं। जैसे उन्होंने एक पद लिखा था, कामी नर का अंग, यानी जो व्यक्ति जिसकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है उसका, उसके बारे में लिखा था, पर नारी राता किरे चोरी बिरता खाए, यानी कि पर नारी के पास जो व्यक्ति जाता है वो ऐसा है जैसे चोरी करके खाने वाला व्यक्ति होता है। दिवसी चारे उरखा रहे अति समूला जाहे, पर नारी के राचड़े अवगुण है गुण नाय, किसी अन्य महिला के पास जाकर के रहना अवगुण है कोई गुण नहीं है। पार संबंध के मम्बला केता बही बही जाए, पर नारी पर सुंदरी बिरना बचे कोई, खाता मीठी रखाब सी अति कड़ी विष हो, यानी कि कहते हैं कि मीठी रखाब की तरह शराब की तरह खा रहा है व्यक्ति, लेकिन वो होता जहर है, यानी कि पर नारी के पास जाने की वो इस पूरे के पूरे दोहे में निंदा कर रहे हैं। तो रचनाकारों के वक्तव्यों से अधिक विश्वसनीय उनका चित्रण होता है। तो कबीर नारी निंदा इतनी तीव्रता से संभवतः परंपरा पालन के लिए करते हैं कि दूसरी ओर वो अनेक रूप कैसे भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें अपने आप को नववधु कहते हैं। लेकिन जो कबीर हैं वो एक तरफ से नारी की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ खुद को नववधु बताते हैं, राम की बहुरिया बताते हैं, राम को पति कहते हैं, उनके आगमन पर मंगल आचरण करने की बात कहते हैं। दुल्हन गावहु मंगल आचारा हमरे आए राम बरता, तो ये दुल्हन मंगल चार गाओ, मंगल गीत गाओ क्योंकि मेरे राम पति आ गए हैं। फिर कबीर ने कामी नर को अंग में ही नहीं लिखा है, उन्होंने नेहकर्मी पवित्रता को अंग भी रचा है। उन्होंने केवल कामी नर को अंग लिखा, उसके बाद उन्होंने पतिव्रता को अंग भी लिखा था जिसमें वो पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी करते हैं। तो यहाँ पतिव्रता नारी जो है वो पतिव्रता को अंग में क्या कहती है, मेरी प्रीत तुझसे है अनेक गुणों वाले कंता, मैं किसी और से बोलू तो मेरे दांत नीले रंग जाए, तू मेरे नयनों के बीच बस जा, मैं पलकों को ढांप लूं, ना तुझे कोई और देखने पाए ना तू किसी और को देख पाए। जैसे उन्होंने लिखा था, कबीर प्रीतड़ी तो तुझसो बहुगुणी आले कंत, जे हसे बोलो और सो तो नील रंगाऊ दंत, नैना अंतर आओ तू ज्यों हो डैन झपेट, ना ही देखना और को ना तुझ देखण दे, तो मैं खुद किसी और को देखूं ना किसी और को तुझे देखने दूंगी। ये थी बेटा कबीर का दोहा था कि भाई कबीर जो है वो कहते हैं कि प्रीत जो है मेरी प्रीत केवल तुझसे ही है, किसी और से अगर मैं हंस के बोलूं तो मेरे दांत नीले हो जाएं और मेरी आंखों में आकर के तू बस जा और मैं तुझे अपनी पलकों में छुपा लूं, ना मैं किसी और को तुझे देख लूं और ना तो मैं खुद किसी और को देखूं ना तुझे किसी और को देखने लूं। तो निष्कर्ष यहाँ पर यही निकलता है कि कबीरदास जो थे वो सामाजिक मूल्यों का विरोध करने वाले करते समय सब निषेधात्मक मुद्रा कभी नहीं अपनाते, यानी कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि सब कुछ गलत है। किसी भी चीज की जब वो एनालिसिस करते हैं कबीरदास जी, किसी भी धर्म की, किसी भी सामाजिक व्यवस्था की, किसी भी पंथ की जब वो एनालिसिस करते हैं तो उसमें से कुछ अच्छी चीजों को निकालते हैं, बाकी जो गलत चीजें हैं उनकी निंदा करते हैं। किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को, किसी भी कम्युनिटी को उन्होंने कभी भी सिरे से गलत कभी नहीं कहा, वो बुराइयों की निंदा करते हैं लेकिन साधना और सामाजिकता को नए मूल्य प्रदान करते हैं। कबीर हठयोग की साधना करते हैं, वैष्णव मत को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं और अपने समय में प्रचलित नाना प्रकार की साधनाओं से भी परिचित थे, यानी कि उन्होंने सभी चीजों को कितना स्टडी किया होगा बेटा, इवन आफ्टर बीइंग अनएजुकेटेड, उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी कितनी चीजों को उन्होंने जो है अवलोकन किया, उन्होंने सबकी त्रुटियों की आलोचना की लेकिन सबका सार तत्व ग्रहण किया, सबकी अच्छाइयों को ग्रहण किया। कबीर की सामाजिक चेतना उनकी परमार्थ चेतना में घुली मिली है, यानी कि वो परमार्थ की चेतना उनके अंदर जो है एक तरह से परमार्थ की चेतना है उनके अंदर कि सबका भला हो, ये उनका एक तरीके से मोटिव रहा है जीवन का। उन्होंने हर धर्म की अच्छी चीजों को तारीफ की और जो खराब चीजें थी उनकी खुलकर निंदा भी की, साथ के साथ जो भी सार तत्व कबीर पंथी अगर जो लोग हैं उनकी आप अगर कभी उनकी शिक्षाएं अगर देखेंगे तो हर धर्म की मिली जुली बातें आपको मिलेंगी उनकी शिक्षाओं में, और सभी की प्रशंसा करते हैं अच्छी चीजों की और गलत की खुल करके निंदा करते हैं। तो ये थी बेटा कबीर की सामाजिक चेतना जो आज के वीडियो में हमने पढ़ी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कबीर की भाषा और उससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर की रहस्य भावना। इतने में ही हमारा कबीर वाला जो सिलेबस है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपके पेपर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। इतने में ही आपका बेटा पूरा का पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। तो पेपर आपका एक पूरा कम्प्लीट है, इस हिसाब से दो चैप्टर केवल रह गए हैं। तो चैनल अगर आपने बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पेपर के लिए बेटा और जो है एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, अभी काफी टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, साथ में इन वीडियो से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि बेटा लिखने की प्रैक्टिस जरूर रखिए। आपके साथ ऐसा होता होगा पेपर में कई बार लिखने का मन नहीं कर रहा है, कई बार लगता है थकान हो रही है,
बोरियत हो रही है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस कम होती है या फिर हम लिखने की आदत छोड़ चुके होते हैं। तो बेटा ये मैं हमेशा ही कहती हूँ, सभी बच्चों को कहती हूँ कि बेटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी याद कर रहे हैं उसे एक दो बार लिख करके याद कीजिए, उससे आपको बार अच्छी तरह से याद भी हो जाता है, लिखने में आपको ये भी पता चल जाता है कि पेपर में लिखते टाइम आपको क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो एक बार फिर से आपको आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।